जो चैप्टर है आप लोग इतना सीरियस मत लो, जब चीजें पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये जो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो तो मतलब कोई यूज नहीं है। अक्षित, गुड मॉर्निंग, प्लीज शेयर द लिंक टू व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल स्टार्ट द क्लास आफ्टर 2 मिनट। 2 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबको बात समझ में, जो भी चीजें पॉलिटिक्स पढ़ाई गई है, और तीन चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में लोकसभा राज्यसभा दिया हो, ये भी दिया हो कि लोकसभा में कितने सीट्स है, राज्यसभा में कितनी सीट्स है, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, ये सब सारे उसी चीज में डिस्कशन हो, लेजिस्लेटिव। ठीक है, स्क्रीन क्लियर है, स्ट्रीम पॉज हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेट का इशू रहता है। तो यहाँ पे आपने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र, तेलंगाना, गुड, तेलंगाना कैपिटल क्या, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या बताया आपने, तेलंगाना, अच्छा तेलंगाना कैपिटल क्या, किसको लगता है आंध्र प्रदेश का कैपिटल तेलंगाना है, किसी को नहीं लगता, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, वो प्रपोज्ड कैपिटल है, अभी अमरावती है नहीं, अभी हैदराबादी है, अभी हैदराबादी, अभी 10 साल तक रहेगा, 2024 तक हैदराबाद रहेगा, अमरावती जो है प्रपोज्ड है, मतलब आगे इन केस फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर स्क्रीन पे क्या है, 1909 आंध्र प्रदेश, सिट डाउन, बैठ जाइए। ये जो दुर्गाबाई देशमुख, नॉर्मली जो देशमुख टाइटल होता है महाराष्ट्र में लोग होते हैं मैक्सिमम, बट ये क्या आंध्र प्रदेश में थी, एक राजमुंद्री जगह है, राजमुंद्री में बोर्न हुई थी, और ये क्या थी, एक फ्रीडम फाइटर भी थी, एंड उसमें भी थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जिसमें 299 मेंबर्स थे, उसमें भी एक मेंबर थी। ओके, नेक्स्ट अगेन पुश करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सेम ऐसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट कभी कभी इस इजी क्वेश्चन का भी आंसर लोग क्या करते हैं, गलत दे देते हैं, जो पढ़ता नहीं है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए हर क्वेश्चन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और जो पढ़ता है उसके लिए और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि कोई भी चीज डिफिकल्ट और इजी नहीं होता, दिस इज डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी, कि आप स्टडी कितना कर रहे हो। ठीक है, तो आप सभी ने आंसर लिख लिया होगा, ऑनलाइन क्या आंसर आ रहा है, सी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, तो आपका आंसर सी जो है राजेंद्र प्रसाद के बारे में इतना पता है, राजेंद्र प्रसाद वाज फ्रॉम बिहार, ठीक है, ही वाज द आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, बस इतने ही ज्यादा, इतना मतलब आपका क्लास 9th लेवल पे जो नॉलेज है इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, आदिवासी एक महासभा बनाया गया था, उसको फाउंडर कौन था, ठीक है, तो राइट और आंसर, इसमें आंसर किसका है, आदिवासी का, बेटा प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, BBB जयपाल सिंह, और क्या है, TT, तो आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा, आदिवासी नॉर्मली रहते कहाँ, आदिवासी आज के डेट में कौन कौन से एरिया में, हाँ एक मिनट, कहाँ पे है भैया, बंगाल का मतलब समझते हो भैया, बंगाल इज ए वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में आदिवासी थोड़े रहते हैं, तो आप आइलैंड बोल सकते हो, कोई आइलैंड का नाम बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट से कि भैया बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन।